पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर चल रही बैठक के बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि सभी विधायक अब सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है और अराजकता फैल रही है। उपचुनाव के बाद राजभवन में कांग्रेस ही शपथ लेगी। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। सर, क्या रणनीति है, किस तरह का आंदोलन खड़ा किया जाएगा? विधायकों ने अपनी बात, जो प्रदेश की वस्तु स्थिति है, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई, अराजकता सर चढ़ के बोलने लगी, अधिकारी सरेआम रिश्वत लेने के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, करप्शन के अलावा कोई दूसरी दुकान इस सरकार की नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, विधायकों पर जिस तरीके के अलग अलग तरीके से प्रशासनिक दबाव बनाने की ये सरकार कोशिश करती है, उसका भी विधायकों ने जिक्र किया। कुल मिलाकर कोरोना के इस महामारी में इस सरकार के फेलियर के बाद विधायकों की ये मंशा हुई कि सरकार के खिलाफ ताकत से सड़क पे आना चाहिए। और मंत्रियों की भाषा अभद्रता, मुख्यमंत्री की झूठ बोलने की शैली और सरकार पूरे प्रदेश को गुमराह करने का एक कार्यशैली बनती जा रही है। कमलनाथ जी ने कहा अगली मीटिंग जो होगी 24 चुनाव के बाद, 26 चुनाव के बाद, अब राजभवन की शपथ के साथ होगी। चिंता मत करो, सब भिड़ो, एकजुट टीम वर्क लगो, ये सरकार जाने वाली है, शिवराज सिंह जाने वाले और कमलनाथ फिर से आने वाले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।